नमस्कार दोस्तों, अब जो है सो बॉलीवुड का फिल्म साउथ इंडियन फिल्म के सामने कुछ नहीं है दोस्तों, नथिंग है, आप समझ लो। दोस्तों मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन देखिए समय किस प्रकार जो है सो चेंज हो गया। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि साउथ इंडियन सिनेमा के सामने बॉलीवुड कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति ये बात मेरे सामने में आके बोला कि अब जो है ना सो साउथ मूवी बहुत अच्छा चलता है, जिसे आप समझ लो टॉलीवुड, टॉलीवुड मूवी जो है ना सो मतलब बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमाई करता है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे उस आदमी के बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्तों जब मैं रिसर्च किया तो ये बिल्कुल सही बात है कि अब कहाँ बॉलीवुड और अब कहाँ टॉलीवुड, बहुत ही डिफरेंस हो गया कमाने के मामले में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉलीवुड मूवी जो है सो कितना ज़्यादा कमाई कर रहा है बॉलीवुड से कितना ज़्यादा। और फिलहाल आपको ये भी देखने को मिलता होगा दोस्तों कि अभी जो साउथ का एक्टर आता है ना उसका कितना मान सम्मान किया जाता है, और अपने बॉलीवुड का जो भी एक्टर है उसका कितना मान सम्मान किया जाता है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 100 करोड़ प्लस कमाई करने वाली फिल्में, 10 ऐसे फिल्म जो 2021 से 2022 के बीच वाला जो है सो मूवी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, जो 10 ऐसे फिल्में हैं जो 100 करोड़ प्लस जो है सो कमाई किया, और उसमें सबसे ज्यादा अगर बात करोगे आप तो सबसे ज्यादा जो है सो साउथ इंडियन, जैसे दक्षिण भारत 6 है और बॉलीवुड केवल 3 है और उसमें से एक हॉलीवुड है। मतलब आपको दक्षिण भारत 6, बॉलीवुड 3, मतलब टॉलीवुड समझ लो, टॉलीवुड 6 है, बॉलीवुड 3 है और उसमें से हॉलीवुड 1 है। 2021 से 2022 के बीच में जो है सो 10 ऐसे फिल्में हैं जो 100 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है, और सबसे ज़्यादा उसमें कौन सा फिल्म है तो दक्षिण भारत का है। आप जरा सोचो ये कैसा समय आ गया। और आगे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अभी देखिए सबसे पहले आप समझने का कोशिश कीजिए कि 2018 से मैं लेता हूं, तो 2018 में अगर बॉलीवुड का ये कुल कमाई है, अगर बॉलीवुड का बात करोगे तो उसका टोटल कमाई जो है सो 4900 करोड़ रुपया हुआ था टोटल। देखिए बॉलीवुड का कितना 4900 करोड़, तो उसमें से वो कितना जो है सो अपने कुल कितने शेयर जो है सो अपने पास बचा पाया था, तो 4900 करोड़ में से आपको 56% बचा पाया था। और 2018 में अगर टॉलीवुड का अगर बात करोगे तो 3900 करोड़ रुपया जो है सो मूवी से क्या किया गया था, तो कमाया गया था। दोस्तों सही से आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, मैं ये 2018 का औकरे में आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं क्या बताया कि बॉलीवुड 4900 करोड़, तो वो कितना बचा पाया, मतलब 56% कुल शेयर जो है सो मतलब कमाई का कुल शेयर था 56%। अगर टॉलीवुड का बात करोगे तो 3900 करोड़, और उसमें जो है सो कमाई का कुल शेयर का बात करोगे आपको तो 44% जो है सो था टॉलीवुड का था। तो उस समय में देखिए टॉलीवुड मतलब पीछे था किससे, बॉलीवुड से पीछे था। अगर दोस्तों आप 2019 का बात करोगे तो कुल कमाई का बॉलीवुड का बात करोगे तो 5200 करोड़, बॉलीवुड का कितना 5200 करोड़, और उसके पास कितना मतलब इतना मतलब कितना 57% जो है सो कुल शेयर था, मतलब बॉलीवुड का टोटल कमाई 5200 करोड़, और उसके पास कुल कितने शेयर था आपको, कितने शेयर गया तो 57% गया। अगर टॉलीवुड का बात करोगे 2019 में दोस्तों, तो इसका जो है सो 3900 करोड़, और इसके पास कितने शेयर तो मतलब 43% जो है सो इसके पास बचा। तो अभी भी 2019 में टॉलीवुड ही क्या रहा, पीछे रहा, मतलब बॉलीवुड ही क्या रहा दोस्तों, आगे रहा। अब देखिए अगर आप 2020 का बात करोगे तो कुल कमाई देखिए बॉलीवुड का जो है सो कुल कमाई आपको 930 करोड़, केवल कितना दोस्तों 930 करोड़, और उसके पास मतलब कुल शेयर कितना तो 43%, मतलब 930 करोड़ का कितना वो अपने जेब में रखा तो कितना आपको 43% रखा। अगर 2020 में टॉलीवुड का अगर बात करोगे दोस्तों तो सीधा 1230 करोड़ रुपया जो है सो कमाया टॉलीवुड, 1230 करोड़, 2020 का आंकड़े आप देख लो, सीधा कितना आगे बढ़ गया दोस्तों, सीधा आगे बढ़ गया। अगर टॉलीवुड 1230 करोड़, और वो टोटल कितना शेयर मतलब अपने जो है सो अपने कुल कमाई का कितने शेयर वो बचा पाया तो 57%, आप सोच सकते हो कितने परसेंट, 57%। अब चलो 2021 में चलते हैं, अगर 2021 का बात करोगे तो बॉलीवुड का कुल कमाई 600 करोड़, कितने दोस्तों
600 करोड़। तो पहले था कितना 930, 2020 में 930 करोड़, अब 2021 में घट के कितना हो गया तो 600 करोड़। देखिए घटता ही जा रहा है 600 करोड़। अगर टॉलीवुड का अगर बात करोगे दोस्तों तो सीधा जो है सो आंकड़े पार कर गया 1900 करोड़। कितना 1900 करोड़। तो जब बॉलीवुड जो है सो मतलब 600 करोड़ जो मतलब कमाया आपको 2021 में, तो वो कितना जो है सो शेयर, कुल शेयर कितना जो है सो किया आपको तो 24%। और टॉलीवुड सीधा 1900 करोड़, अब वो अपने कुल शेयर कितना जो है सो बचाया, कितने इतना रुपया का कितना परसेंट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 76% जो है सो बचाया वो 76%। अब जरा आप सोचो, बॉलीवुड से बहुत पीछे चल रहा था टॉलीवुड, लेकिन अब टॉलीवुड के सामने में बॉलीवुड कुछ नहीं है दोस्तों कमाई के मामले में, आप हमेशा याद रखिएगा। अब कुछ ऐसा समय आने वाला है टॉलीवुड के एक्टर के सामने में बॉलीवुड वाले एक्टर कुछ नहीं रहेंगे, नथिंग रहेंगे, मतलब उसके सामने में कुछ नहीं रहेंगे दोस्तों। आप इस आंकड़े से जो है सो पता लगा सकते हैं कि 2018 में क्या सिचुएशन था, 2019 में क्या था, और 2020 और 21 में किस प्रकार जो है सो समय क्या हो गया, बदल गया दोस्तों। तो और देखिए मैं बताता हूं, और आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैं देखिए अगर इस साइड में बॉलीवुड और इस साइड टॉलीवुड है ना, तो बॉलीवुड में 2017 में जो है सो एक सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आया था, बॉलीवुड में 2017 ईस्वी में सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आया था, तो उसमें टोटल कमाया आपको कितना हुआ था तो 858 करोड़ रुपया क्या हुआ था, कमाया हुआ था। अगर टॉलीवुड का बात करोगे दोस्तों तो 2017 में जो है सो बाहुबली आया था, वही अमरेंद्र बाहुबली जो आपको रिकॉर्ड तोड़ दिया था कमाने के मामले में। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1750 करोड़ रुपया क्या किया था, वो कमाया था। बताइए 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार 858 करोड़ ही केवल बॉलीवुड में, और टॉलीवुड का बात करोगे तो बाहुबली 1750 करोड़ रुपया क्या किया था तो कमाया था। और आगे देखिए अगर 2018 का बात करोगे तो बॉलीवुड में संजू मूवी आया था दोस्तों, कौन सा मूवी आया था, संजू, जो टोटल कमाई किया था आपको 578 करोड़। कितना कमाई किया था, 578 करोड़ किया था। अब वही 2018 में आपको टॉलीवुड में 2.0 आया, 2.0 मूवी आया, और उसने जो है सो टोटल कितना कमाई किया दोस्तों तो 700 करोड़ किया। तो बताइए संजू से भी कमाने के मामले में आगे निकला कि नहीं, बहुत ज्यादा चल रहा था उस समय में संजू, लेकिन कमाने में 2.0 इसका बाप निकला, कहां 578 करोड़ रुपया और कहां 700 करोड़ रुपया जो है सो वो कमाया। अगर आप 2019 का बात करोगे दोस्तों तो 2019 में जो है सो बॉलीवुड में वर मूवी आया था, वर मूवी वही ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का वर मूवी जो आया था, तो उसमें जो है सो उसका कमाया आपको 475 करोड़ हुआ था। कितना हुआ था दोस्तों, 475 करोड़। अब वही 2019 में टॉलीवुड का बात करोगे तो साहो मूवी आया था, साहो, जो टोटल कमाया आपको कितना किया था तो 433 करोड़ किया था। कितना किया था दोस्तों, 433 करोड़। तो इस बार जो है सो फिर बॉलीवुड आगे रहा, क्योंकि वर्ल्ड में ये 475 2019 में कमाया था, और ये टॉलीवुड जो है सो 2019 में कितना तो 433 करोड़ पे ही क्या हो गया, लसक गया। और आगे अगर 2020 का बात करोगे तो 2020 में जो है सो ताना जी आया था, अजय देवगन का ताना जी, जो टोटल कमाया आपको 362 करोड़ रुपया का जो है सो कमाई किया था, केवल 362 करोड़। और जिसमें हीरो कौन है जानते हो आप, तानाजी में अजय देवगन, जो बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों, ऐसे सुपरस्टार हीरो मूवी देते हैं और कितना कमाते हैं आपको 362 करोड़, मतलब केवल 362 करोड़ पे ही इसका कांटा क्या हो गया, रुक गया आपको। अगर टॉलीवुड का अगर बात करोगे दोस्तों तो उस समय में आया था अला वैकुनया प्रूमालू, बहुत लंबा नाम है दोस्तों, 2020 में आया था, और ये टोटल आपको कमाई कितना किया था आपको तो 262 करोड़ ही किया था। तो उस समय में भी तानाजी मतलब आगे रह गया, 362 ये, अब वो 262 करोड़ ही जो है सो कमाई किया था। अगर आप 2021 का बात करोगे दोस्तों तो 2021 में जो है सो बॉलीवुड में सूर्यवंशी आया था, सूर्यवंशी जो टोटल कमाया आपको किया, जो सूर्यवंशी में 300 करोड़ रुपया कमाई किया, सूर्यवंशी में कितना कमाई किया दोस्तों, 300 करोड़ का कमाई किया। वही अगर टॉलीवुड का अगर बात करोगे तो 2021 में जो है सो पुष्पा आया और 370 करोड़ रुपया जो है सो कमाया, सूर्यवंशी में कितना आपको 300 करोड़ पे ही रुक गया, और वही आपको 2021 में पुष्पा आया जो 370 करोड़ रुपया कमाया। और ये मूवी इतना ज्यादा चला, जो भी छोटा छोटा बच्चा के मुंह से आप सुनोगे कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मतलब ये डॉले पूरे ही इंडिया में क्या हो गया था दोस्तों, छा गया था, झुकेगा नहीं साला,
सोच सकते हो, ये छोटा छोटा बच्चे की जुबान पे भी जो है सो ये डॉलर का आप देखते, इतना ज़्यादा चला था, 370 करोड़ रुपया की जो है सो कमाई किया था। अगर आप 2022 का अगर बात करोगे दोस्तों, तो आपको कश्मीर फाइल्स आया जो बहुत ही अच्छा मूवी रहा और बहुत ज़्यादा चला हुआ ये मूवी। तो ये मूवी जो है सो टोटल 350 करोड़ रुपया का जो है सो क्या किया आपको कमाया, 350 करोड़। अगर टॉलीवुड का अगर बात करोगे दोस्तों, तो RRR मूवी आया जो रिकॉर्ड तोड़ दिया आपको, टोटल जो है सो इसका इनकम 1100 करोड़ रुपया जो है सो ये क्या किया तो कमाए। तो आप बताइए पीछे छोड़ दिया कि नहीं। अब इतना समझ लीजिए दोस्तों कि बॉलीवुड जो है ना सो टॉलीवुड के सामने में कुछ नहीं है, कमाने के मामले में सबसे ज्यादा आगे अभी टॉलीवुड है। कहा जाता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा कमाने वाला आपको बाहुबली है जो 1750 करोड़ रुपया जो है सो क्या किया है तो कमाया है। अगर आप बॉलीवुड का बात करोगे तो दंगल है, दंगल भी जो है सो बहुत ज्यादा कमाया है आपको। अगर आप फिर टॉलीवुड का अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो अभी टॉलीवुड में KGF जितना कमाया है ना, ये सभी का रिकॉर्ड जो है सो तोड़ दिया है कमाने में KGF है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि अब बॉलीवुड जो है सो टॉलीवुड के सामने में कुछ नहीं है, और होना भी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड का ये एक्टर सब, इसको आप लोग एक्टर कैसे कहोगे, फ्लॉप्स पे प्लस, जितना मूवी देगा ना सब अब फ्लॉप्स होगा इन लोगों का, क्योंकि ये सब, ये जितने भी जिसको अपने लोग बहुत अच्छा स्टार मानते हैं ना, वो पाकिस्तान का जो है सो हमेशा गुण गाते हैं। मतलब अच्छा अच्छा स्टार जो है सो आपको बीमल का प्रचार करते हैं, तो कैसे चलेंगे इन लोगों का मूवी। इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्राउड मतलब बैठ गया है, घमंड बहुत ज़्यादा हो गया है इन लोगों में, इतना ज़्यादा घमंड हो गया है बॉलीवुड वाले एक्टर के पास, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। अच्छा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो पूजनीय एक्टर था, जो कुछ कर पाते वो तो रहा ही नहीं अपने लोग के बीच में। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ दोस्तों, ऐसे ऐसे स्टार सब है जो बीमल का प्रचार देते हैं, पाकिस्तान का ज़्यादा जो है सो गुण गाते हैं, पाकिस्तान को कहता है बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान वाले क्या सोचता है अपने भारत के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप खुद जानते होंगे अगर आप सच्चे भारतीय होंगे तब दोस्तों। अब बताइए ऐसे ऐसे एक्टर है अपने आप में घमंड करेगा तो कैसे, एक न एक दिन तो पीछा होना ही है। बहुत जो है सो टॉलीवुड को कहता था कि मतलब कुछ नहीं, मतलब अच्छा नहीं बनाता है मूवी, सिर्फ एक्शन एक्शन करता है, लेकिन अभी देखो कि सबसे ज़्यादा चलता है मूवी क्या तो टॉलीवुड चलता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा साउथ मूवी देखा जाता है अपना इंडिया में देखा जाता है, इसके बाद ना सबसे ज़्यादा कमाई किया जाता है दोस्तों साउथ मूवी से। और इन लोगों के पास थोड़ा भी जो है सो घमंड नाम का चीज़ नहीं है। अभी देखो फिलहाल में देखा कि एक लाइगर मूवी निकाला जो विजय देवराकोंडा जो है सो मुंबई आया था, जो काफ़ी फैंस जो है सो उसको देखने के लिए आए थे। जितना बॉलीवुड के एक्टर को देखने के लिए नहीं आता है, उतना विजय देवराकोंडा को देखने के लिए आया था। और इतना ही नहीं, विजय देवराकोंडा इतना अच्छे एक्टर है, इतने अच्छे आदमी है, जो आपको एक ग्रेजुएट चाय वाली जो अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी पटना में, ग्रेजुएट चाय वाले उससे भी मिलने के लिए गए थे। बताइए कितना अच्छा है। आप सोच सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, इसीलिए मतलब थोड़ा भी उसको घमंड नहीं है, वो दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के एक्टर सब बुरवक ज़्यादा बनाते हैं, दिखावटी थोड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं ना, इसीलिए एक ना एक दिन तो इसको झुकना था ही दोस्तों, और झुक गया। आप कौन सा मूवी ज़्यादा देखते हो, बॉलीवुड देखते हो या टॉलीवुड देखते हो, आप नीचे अवश्य कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।